फ्रेंड्स, आपके मोगरा प्लांट में नई ग्रोथ शुरू हो गई होगी और कुछ ही दिनों में हमारे मोगरा प्लांट में बर्ड्स आना शुरू हो जाएंगी और इसमें ढेरों फूल लगेंगे। तो मैं आपको आज दो काम ऐसे बताना चाह रही हूँ जिससे यदि आप करते हैं और उस फर्टिलाइज़र को भी आप डालते हैं जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, तो ये प्लांट आपका गर्मियों भर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और इसमें किसी तरह का पेस्ट अटैक नहीं होगा। साथ ही ये प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करके और आपको पूरी गर्मियों फूल देगा, क्योंकि हमने जो कुछ बेसिक काम थे वो तो इस प्लांट में पहले ही कर लिए हैं, जैसे कि प्रूनिंग है, कटाई चटाई इसके सारे काम हो गए हैं, गुड़ाई भी हमने हमारे प्लांट में कर ली है, तो अब प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नई ग्रोथ शुरू हो गई है प्लांट में, लेकिन इसको प्रॉपर सनलाइट, साथ ही इसको रेगुलर पानी देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये प्लांट की मिट्टी को नम रखना बहुत ज़रूरी होता है। ओवर वाटरिंग ना करें, लेकिन प्लांट सूखा भी ना रहे, इसका आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्लांट जब अच्छी तरह से ग्रोथ करता है तो कभी कभी उसमें पेस्ट अटैक हो जाता है या पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और हम जान ही नहीं पाते कि इसमें किसी फंगस की प्रॉब्लम है या कीड़ों की प्रॉब्लम है। तो उसकी सुरक्षा के लिए मैं आपको एक घरेलू पेस्टिसाइड बताऊँगी जो कि हम डाल सकते हैं, और ये है मेरे पास, ये देखिए, नीम की पत्तियों को उबाल कर मैंने ये पानी तैयार किया है। ये नीम की पत्तियाँ हैं जो कि अच्छी तरह से मैंने उबाल ली और ये पानी मैंने तैयार कर लिया है। तो इस पानी को मैं छान के, आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम सारी चीज़ें बाज़ार से इस्तेमाल करें, हम घर पर भी कुछ चीज़ें आसानी से बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल फ्री का पेस्टिसाइड है और इसको आप अपने प्लांट पे छिड़केंगे, किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो इसको मैं अपने स्प्रे बॉटल में भरती हूँ और सबसे पहले मैं अपने दोनों मोगरा प्लांट पर स्प्रे करूँगी। इस तरह से आप बिल्कुल अच्छी तरह से सारी पत्तियों पर और सारे प्लांट पर इसको आप छिड़कें, और यही पानी जब आपकी मिट्टी में भी जाएगा तो मिट्टी में भी यदि किसी तरह के कीड़े फंगस वगैरह होंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो प्लांट को सबसे पहले पेस्ट अटैक से हमें सुरक्षित रखना होगा जिससे कि प्लांट अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहे। उसके बाद मैं आपको फर्टिलाइज़र बता देती हूँ कि अभी इस समय आपको कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है। प्लांट अपनी ग्रोथ कर रहा है और तो आप थोड़ी सी इसमें से मिट्टी निकाल लें, तकरीबन 1 इंच के आसपास गमले में, जिससे जगह रहे, और उसके बाद मैं वो फर्टिलाइज़र डालूँगी। आप मोगरा प्लांट में इस समय ये फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और ग्रोथ करने के बाद प्लांट में फूल भी अच्छे आएंगे। तो देखिए, मेरे पास है ये गोबर की खाद, सड़े हुए गोबर की खाद है, और इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, और बिल्कुल छानने के बाद आप इसको, ये देखिए, ये मुट्ठी भरकर और इसमें आप डाल दें। पॉट भी आपको बड़ा रखना है मोगरा प्लांट में, मोगरा प्लांट बड़े पॉट में बहुत अच्छी तरह से फ्लॉरिंग करता है। यदि छोटा प्लांट होगा तो उसमें रूट बॉन्डिंग की समस्या हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये आप डालें और इसको जो हमने मिट्टी निकाली है उससे अच्छी तरह से दबा दें और बाद में इसमें पानी दे दें। तो ये आपको काम अभी कर लेना है, मोगरा आपका बहुत अच्छी तरह से फूल देगा। थैंक यू।